हम कानून को मानने वाले लोग हैं, कानून पर विश्वास करने वाले लोग हैं। जो भी अतिक्रमण है हमने उनसे कहा है, अतिक्रमण करवाने के पीछे जो लोग भी हैं वो स्वतः ही अपना अतिक्रमण हटा लें, उससे पीछे हट जाएं, अन्यथा सरकार उस पर सख्ती से काम करेगी। क्योंकि हमारा तुष्टीकरण करने का उद्देश्य नहीं है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये जबरदस्ती जो अतिक्रमण है, कब्जेबाजी है, इसको हम निश्चित रूप से हटाएंगे। लैंड जिहाद चाहे जिस स्तर पर भी होगा, चाहे वो वन विभाग पर होगा, पीडब्ल्यूडी पर होगा, राजस्व विभाग की जमीन पर होगा, सिंचाई विभाग की जमीन पर होगा, जहां पर भी अतिक्रमण होगा उस अतिक्रमण को हमने कहा है कि स्वतः ही हटा ले। ये जिहाद, लैंड जिहाद किसी तरह से भी उत्तराखंड के अंदर नहीं चलेगा। देखिए, कॉर्बेट और रामनगर वन प्रभाग के आसपास 10 से अधिक मजारे हैं। अभी इसमें माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है पूरे उत्तराखंड में 1000 मजारे ऐसी चिन्हित हुई है, इसको एक नाम दिया है जो है मजार जिहाद। तो ये मजार जिहाद है, ये अतिक्रमण इसके नाम पे किया जा रहा है, वन संपदा को लूटा जा रहा है और वन सुरक्षा भी खतरे में है इसको देखते हुए। तो हमारा यही कहना है, रामनगर वासियों की ये मांग है, जितनी भी अवैध ऐसी मजारे हैं तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इस मामले में कार्रवाई करने के लिए कड़ा सा कड़ा कदम उठाया, और शीघ्र ही वन विभाग के अधिकारी भी इसमें शीघ्र ही कार्रवाई करेंगे, हमारी ऐसी आशा है, नहीं करेंगे तो हम इसमें घेराव करेंगे। अब ये राम, आपका नाम बताइए। अशरफ अली नाम है मेरा। अच्छा, मैं यहाँ का गद्दी नशीन हूँ। कहाँ पर है मधु? हम थबली बाबा के मजार पे हैं, 40 साल पुरानी मजार है साहब यहाँ। और हमारे जो हैं पिताजी वाले साहब जो थे, माता जी थी, सब यहाँ पुजारी थे, उनका इंतकाल हो गया। अब मैं हूँ उनका लड़का, अशरफ अली मेरा नाम है। रामनगर का वासी हूँ मैं, उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, समझ गए। ये कम से कम 15-16 साल हो गए साहब उनको बने हुए। और मजार शेर अली बाबा का मजार है, 7 भाई हैं साहब। यहाँ जितने भी लोग वाग आते हैं बाबा को चाहने वाले, समझ गए, सबकी मनोकामना पूरी होती है यहाँ पर, समझ गए। और यहाँ भेदभाव कुछ नहीं होता है साहब, हिंदू मुस्लिम किसी भी जात का हो। हमारे रामनगर के दिल्ली, मुरादाबाद, भोजपुर, पीपलथाना, हल्द्वानी, बरेली, हरानीखेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, सब धर्मों के आदमी हमारे यहाँ अपनी आस्थान लेके आते हैं।